जबलपुर के कुंडम में छात्रा की हत्या के मामले का पर्दाफाश हो गया है। इस वारदात में छात्रा का साथी ही उसका कातिल निकला, जिसने छात्रा से जबरदस्ती की कोशिश की थी। छात्रा के मना करने पर उसने पत्थर पर गिराकर छात्रा को मार डाला। फिलहाल पुलिस आरोपी से और भी पूछताछ कर रही है। जबलपुर के कुंडम में दो दिन पहले एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था, जिसमें 12वीं कक्षा की छात्रा की लाश झाड़ियों के बीच मिली थी। छात्रा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में आरोपी उसका ही साथी रमन सियाम निकला, जो कि उसकी क्लास में पढ़ता था और पिंकी से प्रेम करता था। उसने पिंकी को मिलने के लिए अकेले में बुलाया और जब पिंकी ने उसके साथ जबरदस्ती का विरोध किया तो आरोपी ने छात्रा को पत्थर पर पटक दिया, जिसमें घातक चोट आने के चलते छात्रा की मौत हो गई। उसके बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रमन को गिरफ्तार कर लिया है। लड़का हिनौता का रहने वाला है और उसका रास्ता, क्योंकि उस दिन वो स्कूल नहीं गया था, उधर ही से वो आया और किस लेने के क्रम में संभवतः वो आगे बढ़ना चाहता था, लड़की की इच्छा के विरुद्ध करना चाहता था और इसी भावावेश में उसने लड़की को पत्थर में पटक दिया। संभवतः गंभीर चोट थी और उस चोट के कारण बच्ची की मृत्यु हुई है। सारे मैसेजेस, सारे जो साइबर फोरेंसिक के सीडीआर एनालिसिस हैं, वो हमारे पास साक्ष्य के तौर पे हैं, डिजिटल एविडेंस के तौर पे हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि लड़की का हत्या रमन पिता रज्जू सिंह सयाम ने किया, जो हिनौता का रहने वाला है और बच्ची का सहपाठी है, बच्ची के साथ पढ़ता है। और जो चीज़ें पता चली है कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो 12th में सप्लीमेंट्री वाले हैं,